कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। माफ कीजिएगा, हम डिनर के लिए नहीं आ पाए। हम समझ सकते हैं कि आप लोग कितने व्यस्त होंगे। आम का अचार बनाया था, साधना और रागनी को बहुत पसंद है। अच्छा, सोचा कि आपके लिए और बच्चों के लिए ले चले। खामोखा तकलीफ किया आपने। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? आप एक बार कोशी के हाथ का आम का अचार चख के तो देखिए, स्वाद हमेशा याद रहेगा। और फिर आप एक बार क्या बार बार फरमाइश करेंगी। जी थैंक यू। शंकर जी, मालकिन ये अचार जी। वो एक्चुअली हमें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, साधना आने वाली होगी। तब तक आप एक काम क्यों नहीं करती, आप रागिनी के कमरे में बैठ जाइए। आइए, हम चाय नाश्ता वहीं भिजवा देते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए प्लीज। रणवीर, एक बात पूछनी थी आपसे, पूछ लूं? क्या बात है रणवीर, आजकल आप बहुत खोए खोए से रहते हैं, किसी बात पे ध्यान नहीं है आपका, कुछ भी गलती हो जाती है आपसे। बुरा मत मानिएगा रणवीर, आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ रही हूं। कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से आजकल आप इतना परेशान रह रहे हैं। रणवीर, मैं जानती हूँ कि आप हर बात का कितना ख्याल रखते हैं, तभी मैं सोच रही हूँ कि आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं मानती हूँ रणवीर कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, काम का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। आप मुझसे एक बार कह देते, मैं जिया जी की दवाइयाँ ले आती। रागनी, हो जाती है गलती, काम का कितना प्रेशर होता है। और हाँ, एक चीज ध्यान से सुन लो, आलेख भैया मेरे भाई है, उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, उनका ख्याल किस तरीके से रखना है मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। Got it? माँ, नानी माँ, आइए ना आप लोग अंदर बैठिए। तो ठीक है ना बेटा? हाँ नानी माँ। अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ पे चले आए। माँ क्या लेंगे आप लोग, चाय कॉफी या जूस, क्या लेकर आऊँ? माँ आप दोनों इतना टेंशन भी क्यों है? मैं जानती हूँ कि आपको मेरी कितनी चिंता है और जो कल हुआ उसके बाद आप मेरे लिए कितनी परेशान है, मैं जानती हूँ। लेकिन माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रणवीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और पता है कल तो घर आने के बाद उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी अपने गलत व्यवहार के लिए। माँ मेरी बात का यकीन मानो, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस बात इतनी सी है कि रणवीर पर काम का बोझ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं बस। माँ कुछ तो बोलो, सब कुछ ठीक है? अभी अभी जो रणवीर जी ने तुझे कहा है ना, वो हमने सुन ली। देख, मैं तुझे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ
कि तू सावधानी बरत। ये जो छोटी छोटी राय जैसी बातें है ना, वो कब पहाड़ बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और फिर मेरी जिंदगी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। मैंने कई रिश्तों को ऐसे उलझते हुए देखा है। मैं जो भी देखती हूँ, महसूस करती हूँ, वहां तक तेरी सोच पहुंच ही नहीं सकती। मेरा यही तजुर्बा आज तुझे चेतावनी दे रहा है कि वक्त रहते मैं तुझे ये सब समझा दूं। मेरी बच्ची, रणवीर जी और तेरे बीच में हल्का सा ही सही जो भी ये तनाव आ रहा है, दरार पड़ रही है, उसे तुझे रोकना ही होगा रागनी। मैं जानती हूं कि रणवीर जी पर काम का बहुत बोझ है। वो आलेख जी की तबीयत के कारण बहुत परेशान है। वो सब ठीक है, लेकिन किसी एक हद तक। देख बेटा, तुझे ये सीमा रेखा खींचनी होगी। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों की वजह से तुम्हारे रिश्तों में कोई दरार आए। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रणवीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूं उनके साथ। रागिनी, मैं कोई अंधी और बहरी नहीं हूं। मैं रणवीर जी और तेरे बीच की सारी तकरार सुन चुकी हूँ और उनके हाथों आलेख बाबू की दवाइयां बदलने की बात भी मैं जान चुकी हूँ। पर माँ। बेटा, तेरी माँ जो कह रही है ठीक ही कह रही है। देख रागिनी, ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते रणवीर जी की गलती सामने आ गई और संभल भी गई। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो, अगर आलेख जी की तबीयत खराब हो जाती तो सारा दोष रणवीर जी पर ही आता ना। तब ये कोई भी नहीं सोचता कि तुम और रणवीर जी, तुम दोनों ने साधना और आलेख के लिए क्या क्या नहीं किया। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, तुम दोनों बहने एक दूसरे की सोच को, एक दूसरे की खुशी को बहुत अहमियत देती थी। लेकिन अब तेरे जीवन में रणवीर जी के अलावा कोई भी अहम चीज नहीं है। तुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि तेरी हर खुशी रणवीर जी की खुशी में हो। देख बेटा, अब साधना के जीवन में जो समस्या है, आलेख बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ये उसका नसीब है। मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की वजह से तुम लोगों के जीवन पे कोई असर पड़े। साधना और आलेख को उनकी जिंदगी जीने दो ना, और तुम और रणवीर जी अपनी जिंदगी जियो। माँ, हमने तो आपके हाथ का बना हुआ अचार चख भी लिया, बहुत बढ़िया बना है। लीजिए। मेहरबानी। बस अब मैं चाय दे देती हूँ। नहीं साधना, इस वक्त कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा, अब हमें चलना होगा। अरे अभी तो आए हैं आप लोग, ऐसे कैसे जाएंगे? हमें थोड़ा तो खातिरदारी करने का मौका दीजिए। नहीं नहीं, हमें वाकई में जल्दी जाना है। वो आज सुबह सुबह हम लोग जल्दी आ गए तो घर का सारा काम पड़ा है, और फिर वीनू की बहू और उनकी माँ भी घर पर है। अच्छा चलिए, हम आपके साथ बाहर तक चलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, अपना ख्याल रखना बेटा।
नहीं साधना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ये काम मैं बाद में कर लूंगी। सॉरी साधना, मुझे पता है कि तुम्हें माँ की बातों का बहुत बुरा लगा है। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती। जी जी, बोलने दे मुझे साधना। मैं सिर्फ माफी माँ की तरफ से नहीं बल्कि रणवीर की तरफ से भी मांगना चाहती हूँ। उनकी एक लापरवाही की वजह से जियाज की तबीयत खराब हो सकती थी, लेकिन तुझे तो पता है ना साधना, वो हमेशा हर बात का कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार उससे गलती कैसे हो गई। प्लीज उन्हें माफ कर दे। जी जी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं जानती नहीं रणवीर जी अलिक जी से कितना प्यार करते हैं? और जी जी, दुखी तो मैं इस बात से हूँ कि मेरी कोई भी कोशिश अलिक जी को खुश करने के लिए अभी तक काम नहीं आई है, सब बर्बाद जा रही। नहीं साधना, तू कभी हिम्मत मत हारना। मैं रणवीर तुम्हारे और जिया जी के साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि तुझे तो पता है ना, हमारा ऊपर वाला हमारे साथ है, वो हमारा सबसे बड़ा सहारा है, वो हमारी मदद करेगा। हाँ, और तुझे याद है साधना, बहू जी हमसे क्या कहा करते थे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये भी कहते थे कि हर उम्मीद के साथ एक विश्वास जुड़ा होता है, तब हमारी जीत निश्चित होती है। याद है ना? माँ, मुझे तो रागनी की बहुत चिंता हो रही है। उम्मीद है कि मैंने उसको जो भी समझाया है उसे समझ में आ गया होगा। माँ, मैं साधना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप ही देखो ना, जाने अनजाने जैसे भी हो, वो हमेशा मेरी बच्ची की खुशी के आड़े आ ही जाती। क्यों परेशान होती है कोशी? पति पत्नी में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। अब जरा सी हवा चली नहीं कि तू उसे तूफान समझ लेती है। अरे वक्ती दौर है बेटा, गुजर जाएगा, चिंता ना कर। हाँ माँ, प्रभु की लाख कृपा है कि कम से कम रागनी की जिंदगी साधना से तो बेहतर है। बेचारी साधना, वो भी क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। अब देखो ना, अलिक बाबू के साथ उसकी जिंदगी भी कोई शादीशुदा जिंदगी है। लेकर आई है। अब अलिक बाबू के साथ उसकी जिंदगी भी कोई शादीशुदा जिंदगी है। अलिक जी, क्या बात है, आप इस तरह यहाँ पे क्यों खड़े?
बताइए तालिक जी, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कुछ काम था क्या? बोलिए ना तालिक जी। मैं अपनी दोस्त को हैप्पी करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम मैच में आते तो हम मैच जीत जाते ना। श्लो, ये तू ले। मैच खेलते टाइम तो आलिक जी इतना खुश थे, फिर अचानक आलिक जी को क्या हो गया? जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ बता भी नहीं रहे वो मुझे। क्या सोच रहे होंगे? मुझे ही कुछ करना होगा।